तो चलिए फिर चलते हैं हम अंदर और आपको अंदर का दिखाते हैं। चलो ये जो ये लेयर है ना, हाँ इसके ऊपर वो है पिजन के चिक्स। यहाँ पर टॉयलेट है, बाथरूम है, वॉशरूम है एंड धूप से आ गए, स्लीपर निकालते हैं। और ये देखिए अंदर आइए, पंखा चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो ये ऐसे दिखता है बाहर से हॉल हमारा। यहाँ से एंट्री होती है और गेस्ट वगैरह आते हैं तो यहीं बाहरी हॉल में ही बैठते हैं। और यहाँ से ये रूम जा रहा है, दो रूम जा रहा है। और ये अंदर जो फर्स्ट रूम है, ये देखिए मेरे पापा पापा जा रहे हैं। तो ये यहाँ का फर्स्ट रूम है और यहाँ से ये विंडो है यहाँ की, कभी कभी ओपन करते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, टाइम हो रहा है अभी, इसमें गलत दिखा रहा है शायद, है ना और ये देखिए मेरी मम्मी की फ़ोटो करवा चौथ की। तो ये मेरी मम्मा है, एक मिनट लगी हटना, ये मेरी मम्मा है, ये पापा है और ये जो गोदी में है वो छोटी वाली सिस्टर है जिसको आप देखते हो। सॉरी हाँ गलत टाइम हो रहा था, तो इसको वंश चेंज कर रहा है। मैं अंदर आपको रूम में लेके चलती हूँ। तो ये देखिए ये ऐसा दिखता है। यहाँ पर ये डबल बेड है एंड यहाँ पर एक एरिया बैठने का बना दिया है, सोफ़ा वगैरह है। तो ये ऐसे हैं और यहाँ एक टीवी रखी हुई है सामने, बेड है, डबल बेड है। और ये जो चेयर है इस पर स्पेशल ये डॉल रहती है पीहू की, जो यहाँ पर आराम फरमाती है। तो ये यहीं पर ही इसको फिर बिठा देती है, तो ये यहाँ पर आराम फरमा रही है। एंड ये अलमारी है जो सामान रखे रहते हैं यूज़ डेली के, कभी छोटे मोटे कपड़े रखे हैं अलमारी, तो अलमारी में रखे हैं बाकी कपड़े। एंड यहाँ पर ऐसे ही थोड़े बहुत सामान रखे हैं। तो ये टाँड है ऊपर, ये छोटा सा स्पीकर रखा हुआ है, मतलब मूड होता है जब कुछ होता है तो बजाते हैं, जैसे कल बर्थडे था तो कल बजाया था। एंड हम यहाँ से निकलते हैं दूसरे रूम में और ये आता है हमारा दूसरा रूम। तो देखिए यहाँ पर भी एक तकत जैसा डाल रखा है और ये यहाँ पर बाकस है, ट्रंक है और यहाँ अलमारी है। पता है ये जो अलमारी था इसका पहले एक गेट था, मैं आपको दिखाती हूँ दूर से तो आपको क्लियर नज़र आएगा। ये देखिए ये अलमारी थी दूसरा, तो उसका ना वो टूट गया, यहाँ पर बिल बन गया था, मतलब एक चूहे ने अपना एक एरिया बना दिया था तो नीचे से आते थे वो, मतलब एक दीमक सी लग जाती है ना, तो इस वजह से उसको निकाल दिया गया। और यहाँ हमारा ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है और ये अलमारी रखी है, यहाँ मैं खड़ी हूँ और ये मैंने कल के ही कपड़े पहने हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं दिल्ली से लेके नहीं आई कुछ कपड़े, क्योंकि कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मुझे यहाँ कुछ रुकना है। तो यहाँ पर मतलब नॉर्मली कपड़े रहते ही, अगर हम ना भी आए तो भी पजामा टी शर्ट यहाँ पर लोअर टी शर्ट रहते हैं तो हम पहन लेते हैं, कोई भी सिस्टर आती है और हमें सबका ही मतलब कपड़े आ जाते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिना कपड़े कोई भी यहाँ पर हम आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे कपड़े रहते हैं तो एडजस्ट हो जाते हैं। एंड यहाँ पर प्यारा सा मंदिर मम्मी ने डेकोरेट कर रखा है पूजा के लिए, यहाँ पूजा का वो बना रखा। पहले ये पूजा जो था ना, पूजा रूम ऊपर था तो ऊपर रूम में बना रखा था स्पेशल, तो बट ना ऊपर जाने में थोड़ा सा मम्मी पापा को प्रॉब्लम होता है तो फिर इसे नीचे कर दिया, तो नीचे यहाँ पर रूम में से हटा के फिर इस कॉर्नर पे हमने ये पूजा रूम मम्मी ने कर दिया सेट। और यहाँ पर एक छोटा सा बाकस है और ये एक अलमारी हो गई और ये दूसरी अलमारी हो गई, तो ये दो अलमारी है जिसमें मम्मी पापा के कपड़े रहते हैं एंड पीहू के भी कपड़े रहते हैं। और ये है वॉशिंग मशीन जो मम्मी की पहले वाली थी ना, तो वो थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो गई, इसको ठीक कराया नहीं क्योंकि दूसरी वॉशिंग मशीन थी, तो इसलिए ये ऐसी ही यहाँ पर पड़ी रहती है। चलते हैं बाहर की तरफ और आपको दिखाते हैं यहाँ से ये किचन में ले जाते हैं। तो ये देखिए हमारा किचन ऐसे दिखता है, यहाँ पर बर्तन वॉश के लिए है ये किचन और एक स्लैब ऊपर दे रखी है स्लैब। और फ्रिज
और यह हमारा यहाँ पर फ्रिज है और यहाँ पर प्याज आलू वगैरह बाकी सब सामान नीचे इन्वर्टर रखा हुआ है इन्वर्टर। एंड आपको एक चीज़ बताते हैं बोल के वो भी बहुत मज़ेदार। तो चलिए यहाँ पर दूसरी मशीन है जो मैंने आपको बताई थी ना, एक मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई तो उसको ऐसे ही रख दिया मम्मी ने, और ये दूसरी मशीन है वॉशिंग मशीन, तो ये वाली यूज़ करती है। यहाँ पर ये एरिया जो हमारा है तो ये हैंड वॉश वॉश मशीन भूल ही गई वॉश मशीन, इसको वॉश मशीन एरिया इधर कर रखा है। और ये यहाँ पर हमारा नहाने का एरिया है खुल्लम खुल्ला, तो यहाँ पर ये सर हाँ खुल्लम खुल्ला एरिया। यहाँ पर एक कटर मम्मी ने लगा कर रखा है, इसको ये शावर में नहाने में बड़ा मज़ा आता है तो इसलिए बार बार ऑन करता है, इसको सही से बंद करो पहले शावर को। तो ये खुल्लम खुल्ला वाला नहाने का एरिया बना रखा है जिसमें ये बर्मा कल है, तो ये कटन भी लग रखे हैं जिसको लगाना। अब इसको हटा दो थोड़ा, पर आपको अगर यहाँ नहीं नहाना तो बाथरूम यहाँ पर भी है, ये बाथरूम एरिया है ये देखिए। पर इसमें आप देख सकते हैं क्या है सारा सामान, इसको मतलब मम्मी ने बर्तन वगैरह रख रखे हैं यहाँ पर सारे, तो ये कर दिया क्योंकि यहाँ उनको कहते हैं मुझे घुटन होती है नहाने में, तो ये बाथरूम नहाने वाला था वॉशरूम नहाने वाला था, तो इसमें मम्मी नहीं नहाती इसलिए ओपन में नहाती है, तो इसलिए इसमें सारे बर्तन रही है। और यहाँ पर ना धूप में मम्मी कपड़ा नहीं डालती तो यहाँ रस्सी डाल रखी है ये देखिए, इसी पे ही कपड़े डाल देती तो सूख जाते हैं, अभी गर्मी है ना तो सूख जाती है ऊपर जाने में थोड़ा सा। और ये देखिए पापा वहाँ बैठे हुए हैं, अब पीहू भी होम टूर करवा रही है। हाँ चलो चलो फर्स्ट रूम में चलते हैं हम अपने, ये हमारा फर्स्ट रूम है। हाँ ये हमारा पूजा वाला रूम था, इसमें कोई बेड वगैरह नहीं था। हाँ ये देखिए निशान भी आप देख रहे हो पहले ये था। तो यहाँ पर विंडो मतलब विंडो हर रूम में दे रखा है क्योंकि यार हवा पानी की जरूरत होती है। आपको मैं व्यू दिखाती हूँ यहाँ से, ये देखिए इतनी ठंडी हवा दी यार, बहुत अच्छे व्यू दिखते हैं पता है। इस पर ना कच्चे कच्चे मैंगो भी है ये देखिए, तो बंद कर देते हैं अभी तो फिलहाल के लिए ठीक है। तो ये है और ये यहाँ पर मतलब दो चेयर डाल रखी है, एक टेबल है। और दूसरे रूम में प्लीज़ अवॉइड करिएगा पीछे से जो भी वॉइस आ रही है, तो हम इसको खोलते हैं। ये भी स्टोर रूम ही टाइप का, मेरे बेटे को ऐसा लग रहा है क्योंकि शहर में तो रूम हाँ शहर में तो रूम कम होते हैं ना, तो मेरे बेटे को ये लग रहा है कि ये सारे स्टोर रूम है तो फिर क्या है ये? इस तो ये सारे गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम में रहता है ये सब। अच्छा देखो कह रहा है गेस्ट रूम में रहता है ये सब बेटा, गेस्ट रूम यहाँ गाँव के गेस्ट रूम ऐसे ही होते हैं भाई, कहीं अनाज रखने की जगह नहीं है। अगर हमें पुराने घर में रखेंगे तो मतलब वहाँ पर कोई इतना आता जाता नहीं है, तो कुछ भी मतलब चूहा वूहा खा सकता है ख़राब कर सकता है अनाज को, तो ये यहाँ पर थोड़े बहुत रखे रहते हैं, थोड़े बहुत नीचे रखे रहते हैं, थोड़े बहुत रखे रहते हैं इधर उधर। तो ये है कोई आता है खाती हूँ, खेत क्या है पीहू यहाँ पर खेत है। अच्छा भैंस वाले नानू की है खेती, खेत कह रहा है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको, ये देख रहे हो अच्छा आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर ना पहले एक जाला सा था बट हट गया है, ओपन हो गया है। आपको रियली बता रही हूँ फ्रेंड, व्यू बहुत ही मस्त है। अगर मॉर्निंग आपकी ऐसी हो जाए ना तो फिर क्या कहना, फिर तो दिन बन जाएगा। आप देख सकते हो नीचे गोभी गोभी है और ये सब ना मतलब इसमें वो वेजिटेबल वगैरह ना सब्जियां उगा रखी है, इसमें सब सब्जी उगा रखी है, बस आई डोंट नो बट क्या कौन सी सब्जी है कौन सी नहीं मुझे नहीं पता। और ये सब जो घर देख रहे हैं ना आमने सामने, ये सब हमारे चाचा के घर हैं, तो इसमें मतलब चाचा घर मतलब मेरे पापा के चाचा का घर, इन्हीं के घर पे बुआ आएगी। हाँ इनके घर ध्यान से ये देखिए कितना, और वहाँ पर ना गेहूँ की आई थिंक कटाई हो रही है ये देखिए। हाँ
गेहूं कट रहा है, और वो टंकी है पानी की। तो ये देखिए, चलिए अब चलते हैं जिस रूम में हम लोग सोए थे ना रात में, तो वो ये रूम है देखिए। तो यहाँ पर ये डबल बेड डबल बेड है यहाँ पर, एंड यहाँ पर छोटा सा टेबल है, और यहाँ से भी एक विंडो है बड़ी सी, और यहाँ से भी देखिए, यहाँ से हम जा सकते हैं, वो वॉशरूम है वो वॉशरूम है यहाँ लग के। तो ये विंडो ऐसे बंद हो जाता है ना, ये देखिए, तो ये ओपन है, मतलब जाला नहीं लगा इसमें, ये ऐसे ही ओपन है डायरेक्ट। अब तो चलते हैं टॉप फ्लोर पे चलेंगे, पहले यहाँ तो शेयर कर लूँ मैं, बच्चे तो बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे, आप देख ही सकते हो, हट हो गए सामने से। और ये देखिए यहाँ पर सिटिंग एरिया थोड़ा छोटा सा बना रखा है यहाँ पर, ये कटवा के मम्मी ने बनवाया था सिटिंग एरिया। और रियल मानिए सबसे जो मुझे अपना फेवरेट प्लेस लगता है ना पूरा ऊपर से नीचे, वो मुझे यही लगता है, मुझे यहाँ बैठना पसंद है मॉर्निंग में, शाम को बहुत अच्छी हवा चलती है, और वहाँ आप बैठ करके बहुत अच्छे से आप मोबाइल देखिए, आपको कुछ भी चाय पीना है चाय देखिए। मैं तो यहीं पर जब से आई हूँ यहीं बैठ रही हूँ, ये एरिया मुझे बहुत पसंद है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो घर था ना, ये रहा वो पुराना घर जहाँ पर अभी हम गए थे, वही है ये पुराना घर। अब वो वाला आप देख रहे हैं वाइट वाइट सा दिख रहा है आपको अलग से, अभी पापा ने प्लास्टर वगैरह करा रखा है उसका, थोड़ा छत ठीक कराया है, तो वो है, तो ये वो है, वो एरिया है। और ये जो ये एरिया आप देख रहे हैं पूरा, ये एरिया से लेके पूरा वो एरिया मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, ये पूरा एरिया जहाँ ख़त्म हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। ये एंड है ना, ये पूरा पहले पुराना घर था, तो अब डिवाइड हो गया है, तो हम लोगों ने तो इसमें बना लिया अपना नया घर, एंड छोटे वाले चाचा हमारे, मेरे चाचा, उन्होंने उसी में ही अपना बना लिया, तो ये उनका घर है, एंड दूसरे वाले चाचा उस तरफ रहते हैं, ये बड़ी मम्मा का घर है वो हमारा घर है। तो ये है आप देख सकते हैं, ये था हमारा पुराना घर और ये है नया घर। तो चलिए चलते हैं, जो वंश बहुत एक्साइटेड हो रहा है, कहाँ चलना है दिखा दिया आप, दिखा दिया मेरे को, धूप हो रही है, दिखा आ जाओ, ये देखो इस साइड ये वॉशरूम बनाया था नहाने के लिए, और ये पूरा के, और ये इसके नीचे भैंस रहती थी, अब नहीं है। लो कैमरा मैन सब, और यहाँ ना रस्सी भी डाल रखी है, ये देखिए इस पे भी कपड़े हम डाल देते हैं, ठंड में सूखते नहीं है तो क्या करें। चलिए मैं अपने फेवरेट जगह से चलती हूँ आपको यहाँ पर ले जा, सेकंड फ्लोर की तरफ चलते हैं, यहाँ मैं अपने फेवरेट एरिया को छोड़ के चलिए, चलो क्या हुआ, क्या यहाँ से गाँव है छिपकलियाँ बहुत मिलेगी, चलो। और रियल फ्रेंड अगर आप शाम को आएंगे ना, और मॉर्निंग के टाइम पे इतनी अच्छी हवा चलती है, ठंडी ठंडी, दिल्ली में तो बहुत गर्मी है, हवा में जो गर्माहट है उसका तो मैं क्या बताऊँ, पर यहाँ की हवा ठंडी है बहुत ज़्यादा मॉर्निंग एंड शाम के टाइम, अभी दिन के, ये देखिए यहाँ पर, वाओ यहाँ ऊपर आने पर भी ठंडी हवा लग रही है ना, ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर ये पेड़ है, इस पर मैंगो लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप, और ये टंकी रख रखी है यहाँ पर, ये इतना एरिया मैं आपको हाइट दिखाती हूँ, देखने में भी ध्यान से, हाँ हाँ ध्यान से गिरूंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट के लिए कुछ लगा नहीं रखा ना, इसलिए डर लग रहा है। और मैं देखे, तो ऐसे देखता हूँ, देखो ऐसे करके, ये वंश ऐसे देखता है अगर से नीचे देखना होता है तो लड़का हमारा, तो चलिए चलते हैं ये, और इधर वाले यहाँ पर हम मॉर्निंग में आए थे, हमने यहाँ पर चाय पी थी, बहुत अच्छा लग रहा था,
और देखिए पूरा खेत यहाँ से ऐसे दिख रहा है, बहुत अच्छा हवा आता है, व्यू देख लीजिए आप। अभी गेहूं हो रहा है ना, गेहूं, तो ये देखिए, ये है हमारा गांव, देखिए कैसा दिखता है हमारा गांव। तो चलिए नीचे चलते, तो चलिए बताइएगा मेरा होम टूर आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मेरे मायके का होम टूर आपको कैसा लगा। ओके बाय, जय माता दी, गुड नाइट नहीं है।